फ्रेंड्स, स्वरा स्वीट डिलाइट्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ व्हाइट फॉरेस्ट केक, और वो भी एगलेस और बिना ओवन के। तो चलो देखें इसकी रेसिपी। हम व्हाइट फॉरेस्ट केक की सामग्री देख लेंगे। यहाँ पे है वेनिला स्पॉन्ज केक, ये एगलेस है और ये मैंने बिना ओवन के बनाया है। और इसकी रेसिपी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, इसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया है। और आप देख सकते हैं ये काफ़ी स्पॉन्जी है और ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। यहाँ पे है वाइट चॉकलेट शेविंग्स, और इसे बनाने का वीडियो भी मैंने पहले ही अपलोड कर लिया है। और यहाँ पे है स्ट्रॉबेरी सिरप, स्ट्रॉबेरी क्रश, और इस स्ट्रॉबेरी क्रश में मैंने 3 टीस्पून पानी डाल के इसको डाइल्यूट किया है। मैंने यहाँ पे 1/4 कप क्रश लिया था, उसमें 3 टीस्पून पानी डाला है। ये चेरी है, मैंने टिन चेरी यूज़ की है, आप नॉर्मल चेरी भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे है चेरी के पीसेस जिन्हें मैंने काट लिए हैं, और ये है विप क्रीम। और इसे कैसे विप करना है वो मैंने पहले ही वीडियो अपलोड किया है, और उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देख सकते हैं। इस केक के बेस को हम पहले कट कर लेंगे स्लाइसेस में, और पहले मैं इस पे निशान लगाऊंगी कि हमें कहाँ पे कट करना है। इसके मैं 3 पार्ट्स करूंगी, और ऐसे ही आपको एजेस कट कर लेने हैं जिससे हमें कट करने में आसानी होगी। हमें पूरा कट नहीं करना है, पूरा कट हम बाद में कर लेंगे। आप यहाँ देख सकते हो मैंने हर तरफ ऐसे निशान लगा लिए हैं, और अब हम इसके स्लाइस काटेंगे। ये मेरे पास सिरेटेड नाइफ है, आप नॉर्मल नाइफ से भी कट कर सकते हो। और ऐसे हमें हल्के हाथों से इसे घुमाना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एक स्लाइस आ गया है। इसी तरह से हम हमारी दूसरी स्लाइस भी काट लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी दूसरी स्लाइस भी तैयार है। आप यहाँ देख सकते हो केक बोर्ड रखा है मैंने, और मैं अभी थोड़ी सी क्रीम लूँगी और बोर्ड पे लगाऊंगी जिससे हमारा केक का बेस चिपक जाए अच्छे से। और जो हमने ऊपर वाला लेयर काटा था वो अब हम सबसे आखिर में रखेंगे। ये हमने हमारा सबसे लास्ट लेयर, ऊपर वाला हमने नीचे रखा है, और नीचे वाला लेयर हम टॉप में रखेंगे। अभी हम इसे स्ट्रॉबेरी क्रश से सोक करेंगे, और हमें ये क्रश साइड्स में लगाना है। पहले हम साइड्स में लगाएंगे, फिर हम बीच में लगाएंगे। हमें इसे हल्के से स्प्रेड करना है, बहुत ही जेंटल से। अब इस पे हम व्हाइट क्रीम डालेंगे, और आप यहाँ देख सकते हो मैंने ऐसे पाइपिंग बैग में एक नोजल डाला है और उसमें मैंने क्रीम भरी है। आप ये टाइप से भी आप आपका आइसिंग कर सकते हो, या आप डायरेक्टली ये नाइफ से आप क्रीम लेके फिर आप ऐसे कर सकते हो। ये बैग वाला मेथड ज़्यादा इजी है, जो मैंने मेरे रेड वेलवेट केक में भी यूज़ किया है, जिससे आपका आइसिंग बहुत फास्ट होता है और करने में आसानी भी होती है। तो हम चालू करेंगे। हमें बस साइड में आइसिंग ऐसे डाल देनी है। ऐसे फैलाने के बाद हम ये नाइफ लेंगे, और नाइफ से हम इसको अच्छे से लेवल करेंगे जिससे हमारी आइसिंग इक्वली सब जगह फैल जाएगी। आप देख सकते हैं हमने इस पे चेरी के पीसेस डाल लिए हैं। अब हम इस पे हमारा सेकेंड लेयर रखेंगे। सेकेंड लेयर को भी हमें इसी तरह से पहले ब्रश से और फिर क्रीम से आइसिंग कर लेनी है।
आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे दो लेयर्स लगा के तैयार है और अब हम हमारा लास्ट लेयर लगाएंगे। इस लास्ट लेयर को भी हम थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी क्रश से सोक कर लेंगे। इसमें हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सिरप डाल के इसको जस्ट मॉइस्ट कर लेना है हमको। इस क्रश को मैंने फैला लिया है और अब इस पे हम क्रीम डालेंगे। फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे। आप देख सकते हो मैंने क्रीम लगा ली है। अब हम स्पैटुला के हेल्प से इसे प्लेन करेंगे। साइड्स पे भी इसी तरह हमें क्रीम लगा लेनी है। और इसे अब हम प्लेन करेंगे नाइफ से। एक्स्ट्रा की क्रीम हम हटा देंगे। आप देख सकते हो इसकी साइड्स प्लेन हो गई है। अब हम इसका टॉप भी अच्छे से प्लेन कर लेंगे। हमारा टॉप और साइड्स अच्छे से कवर हो गए हैं और प्लेन हो गए हैं। और ऊपर का डेकोरेशन करने से पहले हम इसे फ्रिज में रख देंगे ताकि ये आइसिंग सेट हो जाए। एक आधे घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे। हमारा केक अब सेट हो गया है और मैंने स्टार नोजल लिया है और अब हम फ्लोरेट्स बनाएंगे इसके एजेस पे। हमारे फ्लोरेट्स बनके तैयार हैं। अब हम हमारा वाइट चॉकलेट लेंगे और वाइट चॉकलेट को हम थोड़ा सा बीच में स्प्रेड करेंगे। हमने बीच में व्हाइट चॉकलेट डाला है। अब हमें साइड्स भी कोट करने हैं चॉकलेट से। हम थोड़ा थोड़ा चॉकलेट हाथ में लेके ऐसे हल्के से लगाएंगे जिससे हमारा व्हाइट चॉकलेट चिपक जाएगा साइड्स पे। आप यहाँ देख सकते हैं हमने व्हाइट चॉकलेट अच्छे से कोट कर लिया है साइड्स में भी। और अब हम इसकी फिनिशिंग करेंगे चेरी लगा के। आप देख सकते हो हमारा केक रेडी है चेरीज लगा के और ये कितना यमी दिख रहा है। अब हम बस ये बोर्ड क्लीन करेंगे और इसे फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए।